नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। चीन से फंडिंग विवाद के बीच न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है और कई लोगों से पूछताछ चल रही है। कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। ये छापेमारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक पर और उनके कुछ पत्रकारों के यहाँ चल रही है। रेड के दौरान पुलिस की स्पेशल सेल ने मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद 2 अक्टूबर को स्पेशल सेल के सीनियर अफसरों की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि केस को कैसे आगे बढ़ाना है। जिसके बाद 3 अक्टूबर यानी कि आज सुबह करीब 6 बजे से रेड शुरू हो गई। स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई में करीब 100 जगहों पर छापे मारने शुरू किए। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के यहाँ रेड करनी थी उनके नाम की लिस्ट पहले बनाई गई, फिर उनको ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया। ए कैटेगरी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। इस रेड में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सभी रेंज की टीमों को लगाया गया है। इसमें करीब 500 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हार्ड डिस्क डेटा भी लिया है। न्यूज क्लिक के फंडिंग को लेकर ईडी पहले भी रेड मार चुकी है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और न्यूज क्लिक की कुछ संपत्तियां भी अटैच की थी। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया है। ईडी से पहले न्यूज पोर्टल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी फंडिंग की जांच कर चुकी है। अगस्त महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में आरोप लगाया गया था कि न्यूज क्लिक उन संगठनों में से एक है जिन्हें अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने जुड़े नेटवर्क ने फंडिंग की थी, जो चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। बता दें कि न्यूज पोर्टल और इसकी फंडिंग के सोर्स की जांच 2021 में शुरू हो गई थी, जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी का केस भी इसी पर आधारित था। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दी थी, लेकिन तब से ये केस अदालत में लगातार जारी है। कथित टैक्स चोरी मामले में साल 2021 में इनकम टैक्स अधिकारियों ने न्यूज पोर्टल के ऑफिसों की भी तलाशी ली थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।